Welcome and welcome to my channel. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर और मल्टीथ्रेडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये जो है किस टॉपिक के अंडर आता है वो आप देख लो। ये आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर, राइट। तो आपको पेपर में ऐसा भी आ सकता है दैट एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने ये तीनों देने हैं, या आपको इसके ऊपर क्या आ सकता है, नोट आ सकता है, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। तो माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर करवाने के लिए मैंने कुछ इसके जो सिंपल नोट्स हैं वो प्रिपेयर करे हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप अपनी बुक से भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से मीनिंग समझ आता है तो आप मीनिंग को यहाँ से समझ सकते हो और अपनी बुक से भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे अगर आपको माइक्रो कर्नल आता है? जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे वर्ड है कर्नल, राइट। तो इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप कर्नल का जो शॉर्ट वीडियो है वो भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि उससे आपको और ज्यादा समझ आएगी। तो व्हाट इज माइक्रो कर्नल? द माइक्रो कर्नल इज वन ऑफ द कर्नल्स क्लासिफिकेशन। तो ये कर्नल क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। बीइंग ए कर्नल इट हैंडल्स ऑल सिस्टम रिसोर्सेज। ये सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को क्या करता है, हैंडल करता है। ऑन द अदर हैंड द यूजर एंड कर्नल सर्विसेज इन ए माइक्रो कर्नल आर इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट एड्रेस स्पेसेस। कि अगर हम माइक्रो कर्नल में यूजर और कर्नल सर्विसेज को क्या करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो डिस्टिंक्ट एड्रेस स्पेसेस में क्या होंगी, इम्प्लीमेंट होंगी। जो यूजर सर्विसेज हैं वो यूजर एड्रेस स्पेस में रखी जाएंगी और जो कर्नल सर्विसेज हैं वो कर्नल एड्रेस स्पेस पे रखी जाएंगी। वंस अगेन आई रिपीट कि जो माइक्रो कर्नल है वो कर्नल का ही एक पार्ट है। बीइंग ए कर्नल इट हैंडल्स ऑल सिस्टम रिसोर्सेज। ये सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को क्या करता है, हैंडल करता है। ऑन द अदर हैंड द यूजर एंड कर्नल सर्विसेज इन ए माइक्रो कर्नल आर इम्प्लीमेंटेड इन डिस्टिंक्ट एड्रेस स्पेस। यूजर सर्विसेज आर कैप्ट इन यूजर एड्रेस स्पेस व्हाइल कर्नल सर्विसेज आर कैप्ट इन कर्नल एड्रेस स्पेस, राइट। सो नेक्स्ट है माइक्रो कर्नल सर्विसेज। द माइक्रो कर्नल इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स मोस्ट सिग्निफिकेंट सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिसके लिए माइक्रो कर्नल रिस्पॉन्सिबल है? वन इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। इट मीन्स कि मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेट करना और सीपीयू शेड्यूलिंग करनी, ये मेन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, माइक्रो कर्नल की, राइट। तो जैसे कि मैं आपको आपकी पीडीएफ में दिखाऊं, आपकी पीडीएफ में अगर आपको विजिबल है, आई थिंक नाउ आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। सो ए माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर असाइंस ए फ्यू फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें क्या क्या आता है, एड्रेस स्पेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड बेसिक स्केड्यूलिंग। यही चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, दैट अदर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेसेस। कि ये सर्विसेज तो माइक्रो कर्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, दे आर प्रोवाइडेड बाय प्रोसेसेस और उनको समटाइम्स वी आर कॉल्ड सर्वर्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वर्स बोलते हैं, राइट। दैट रन इन यूजर मोड, ये यूजर मोड में भी रन होते हैं, या दे आर ट्रीटेड लाइक एनी अदर एप्लीकेशन बाय माइक्रो कर्नल। सो दिस अप्रोच डीकपल्स कर्नल एंड सर्वर डेवलपमेंट। ये जो अप्रोच है माइक्रो कर्नल की, ये सेपरेट करती है कर्नल और सर्वर की डेवलपमेंट को। सर्वर को कस्टमाइज किया जा सकता है टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन और फॉर रनिंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट। द
The micro kernel approach simplifies implementation. जो micro kernel है वो implementation को क्या करता है, simplify करता है. It provides flexibility and is well suited to distributed environment. और इसको किस environment में main जो है use किया जाता है, यह well suited है distributed environment में. So micro kernel interacts with local and remote server. माइक्रो कर्नल जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, लोकल और रिमोट सर्वर के साथ इन द सेम वे, राइट. मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो कर्नल है, अगर हम देखें तो जो माइक्रो कर्नल है वो क्या है, कर्नल की एक स्पेसिफिकेशन है. बीइंग ए कर्नल इट हैंडल्स ऑल सिस्टम रिसोर्सेज, ये सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को हैंडल करता है. और इसमें क्या है कि यूजर स्पेस, जो यूजर सर्विसेज हैं वो यूजर एड्रेस स्पेस में रखी जाती हैं, कर्नल सर्विसेज जो हैं वो कर्नल एड्रेस स्पेस में रखी जाती हैं. इसके बाद आप इसकी सर्विसेज बताओगे कि इसकी तीन सर्विसेज हैं, इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू स्केड्यूलिंग. और उसके बाद आप क्या बताओगे कि अपार्ट फ्रॉम दीज सर्विसेज, ठीक है, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाई प्रोसेसिस, उनको हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, ठीक है. सो जो ये अप्रोच है, दिस अप्रोच डीकपल्स कर्नल और सर्वर डेवलपमेंट को क्या करती है, सेपरेट करती है. माइक्रो कर्नल अप्रोच जो है वो सिंप्लीफाई करती है क्या क्या, इम्प्लीमेंटेशन को, इट प्रोवाइड फ्लेक्सीबिलिटी, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट के लिए वेल सुटेड है. माइक्रो कर्नल जो है वो लोकल और रिमोट सर्वर के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है सेम वे में और हेल्प करता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. तो आप अपने फीडबैक दे सकते हो, आप बता सकते हो कि आपको समझ आ गया है माइक्रो कर्नल आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ठीक है. आप जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स इस सब्जेक्ट के, वो इसके वीडियोज तो देखते हैं, लेकिन कोई भी जो लर्नर है, देखो आपको फ्री वीडियोस मिल रहे हैं, ठीक है, आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही इसके लिए, ठीक है. तो आप लाइक भी नहीं करते, लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगी तो मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है ना. स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं. नेक्स्ट इज मल्टीथ्रेडिंग. मल्टीथ्रेडिंग के लिए भी मैंने लिखा है, so the concept of multithreading needs proper understanding of these two terms, one is process and another one is thread. It means multithreading में हम process की बात करेंगे और thread की. Now what is a process? जो आपका program execute होता है उसको हम क्या बोलते हैं, process. So a process can be further divided into independent units, उसको हम क्या बोलते हैं, threads बोलते हैं, ठीक है. ये explanation देने के बाद आप अपने बुक जो आपकी पीडीएफ है, ठीक है, वहां से करोगे. तो जो थ्रेड है वो क्या है, थ्रेड इज ए डिस्पैचेबल यूनिट ऑफ वर्क, इट इंक्लूड्स ए प्रोसेसर कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स ओन डेटा एरिया फॉर ए स्टैक, ठीक है. इतना आपने लिखना है कि जो थ्रेड है वो एक डिस्पैचेबल यूनिट ऑफ वर्क है, या आप कह सकते हो दैट ए थ्रेड एग्जीक्यूट सिक्वेंशली, ये sequentially execute होता है, ठीक है. या जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, जब वो एग्जीक्यूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं. इतना लिख देना, फिर उसके बाद लिखना है इट इंक्लूड्स द प्रोसेसर कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स ओन डेटा एरिया फॉर स्टैक, राइट. जो लर्न कर सकते हैं यूजर्स वो ये लिख सकते, जो लर्न कर सकते हैं लर्नर वो ये लिख सकते हैं दैट इट थ्रेड एग्जीक्यूट sequentially एंड इज interruptible, सो दैट प्रोसेसर कैन टर्न टू another thread. Next is process. Process a collection of one or more threads and associated system resources. A process such as memory area, memory containing code, data, open file and devices. ये सारी किसके अंदर आता है, process के अंदर, ठीक है. So a collection of one or more threads and associated system resources को हम process बोलते हैं. This corresponds closely to the concept of program in execution. By breaking a simple application into multiple threads, the programmer has great control over the modularity. Multithreading is useful for applications that perform
a number of essentially independent tasks that do not need to be serialized. Means multi-threading उन applications के लिए useful है जो independent tasks को क्या करते हैं, support करते हैं. So उसकी example क्या है? An example is a database server that listens for and processes numerous client requests. So while with multiple threads running within same process, switching back and forth among threads involves less processor. कि अगर हम थ्रेड को यूज करेंगे तो प्रोसेसर ओवरहेड कम लगेगा देन ए मेजर प्रोसेस स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस. तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रोसेस के बारे में बताया, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बताया कि उसके दो पार्ट्स हैं, एक थ्रेड है दूसरा प्रोसेस है. थ्रेड के बारे में आपने लिखना है, प्रोसेस के बारे में लिखना है, फिर आपने बताना है कि मल्टी थ्रेडिंग क्यों यूजफुल है. क्योंकि कुछ टास्क को हम क्या नहीं करना चाहते, सीरियलाइज नहीं करना. उसकी एक एग्जांपल है डेटाबेस सर्वर. जो नेक्स्ट है वो है सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग. ये मैं आपको डिफरेंट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आपने जरूर बताना है या लाइक प्रेस करो करना है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर टाइम.